ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कद फाज फ़ौज़न अज़ीमा हर तरह की तारीफ उस आलमीन के लिए लायक और जेबा जो सारे जहान का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है राज है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अरश पर होते हुए पूरी कायन का निज़ाम चला रहा है बादहो उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद और सलाम नाजिल हों खूस आख़री नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगम्बर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन वो काम जिनसे बचना ज़रूरी है इससे पहले पांच खुतबे इसवान पर हो चुके हैं और चौदह बातें बयान की गई हैं इस सिलसिले का ये छठा खुतबा है और पंद्रहवीं बात यह है कि आदमी को फ़ख्र गुरूर से तकबर से घमंड से अपने आप को बचाना चाहिए आज इंसान के पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो वो गुरूर में मुबतला हो जाता है थोड़ा सा इल्म आ जाता है तो वो गुरूर में मुब्तला हो जाता है। ओहदा और मनसब मिल जाता है तो इंसान गुरूर में मुब्तला हो जाता है इंसान के लिए गुरूर मुनासिब नहीं है तकबुर गुरूर ये अल्लाह को जेबा देता है अल्लाह ताला ने सुरे जासिया के अंदर फरमाया लहुल उफिस समावती तिवल अल्लाह ही के लिए बड़ाई है अल्लाह ही के लिए तकबुर है आसमान में भी और ज़मीन में भी वह हकीम और वो गालिब है हमत वाला है अल्लाह के अलावा किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो तकब्बुर करे अल्लाह के अलावा किसी इंसान के लिए ये जेबा नहीं देता है कि वो फ़ख्र गुरूर में मुब्तला हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस खुदी है अल्लाह ताला फरमाता यकूल अल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है अल अल्किब्रिया व रिदाई तकबर मेरी चादर है वल व इजारी और अजमत मेरा इजार है रिदा उस कपड़े को कहते हैं जो ऊपर पहना जाता है जिसको चादर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इज़ार उस कपड़े को कहते हैं जो नीचे पहना जाता है अल्लाह ताला ने फरमाया तकबर मेरी चादर है और अजमत मेरा इजार है फमन न अजानी मिन हुमा। इन दोनों में से कोई शख्स अगर इसको खींचना चाहता है यानी मेरे इजार को या मेरी रिदा को खींचना चाहता है तकब्बुर और अजमत में मुब्तला हो जाता है प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कजफ तोहू फिन नार मैं उसको जहन्नम में डाल दूँगा और एक रवायत में है अल्कई तोहू फिन नार मैं उसको जहन्नम में डाल दूँगा यह सोना अबू दाऊद की हदीस है मेरे भाइयों फ़ख्र गुरूर तकबर ये इंसान को हक बात सुनने से रोक देता है हक बात कबूल करने से रोक देता है इसलिए आप देखेंगे कि जो इंसान मगरूर होता है वो किसी की बात नहीं सुनता है जो इंसान मगरूर होता है वो किसी की बात नहीं मानता है जो इंसान मगरूर होता है वो सिर्फ़ अपनी चलाना चाहता है फख्र गुरूर तकबुर या अल्लाह के अलावा किसी के लिए मुनासिब नहीं है अल्लाह तबारक ने हजरत आदम अल्सम को अपने हाथ से बनाया और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया अल्लाह तरमा आदमा जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो फसा तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया अबा इनकार किया वकबरा तकबर किया वह मिनल निनलकाफ्रीन और वो इनकार करने वालों में से था काफिरों में से था जब इंसान के अंदर गुरूर पैदा हो जाता है तो वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता वो अल्लाह की बात को भी ठुकरा देता है यही इब्लिस है जिसने अल्लाह की बड़ी इबादतें की थी इतना सजदे किए थे इतनी इबादतें की थी कि अल्लाह तबारक तआला ने इबलीस जो जिन्नात में से है अल्लाह ताला ने इसको प्रमोशन दिया और जिन्नात के जुमरे से निकाल करके इब्लीस को फरिश्तों में शामिल कर दिया लेकिन एक सजदा ना करने से अल्लाह तबारक तआला के निगाह में गिर गया, गया शैतान मारा एक सजदे के ना करने से हज़ारों बार गर सजदे में सर मारा तो क्या मारा एक सजदा और वो भी अल्लाह का नहीं आदम का आदम का सजदा करने से इनकार किया किस चीज ने उसको इनकार करने पर मजबूर किया फख्र ने ग्र ने तकबर ने घमंड ने इब्लिस ने इनकार कर दिया अल्लाह ने पूछा कि जब मैंने तुझे आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो तूने क्यों नहीं किया तो उसने क्या कहा मैं आदम से बेहतर हूँ तूने मुझे आग से पैदा किया है आदम को मिट्टी से पैदा किया अपनी ग़लती पर तावील किया मुतकबर शख्स गुरूर करने वाला शख्स दूसरों की बात नहीं मानता है और अपनी बात ऊपर रखने के लिए गलत तावीलें करता है जैसा कि शैतान किया, किया, ने किया इबलीस ने किया अल्लाह तबारक तक जन्नत से निकाल दिया अल्लाह तुरान मजीद में पुरानी कौमों का तस्करा किया है अगर उन तमाम आयतों को इकट्ठा किया जाए तो खुलासा यही निकलता है कि तमाम कौमों ने अपने नबियों का इनकार किया तकबर की बुनियाद पर बुनियादी सबब तकबर था वो नबी को कमतर समझते थे और अपने आप को बड़ा समझते थे अल्लाह तबारक तुरान मजीद में तमाम कौमों का तस्करा किया है अलबत्त कुछ बातों की तरफ मैं इशारा करता हूँ अल्लाह तबारक वाल ने कौम आद का तस्करा करते हुए फरमाया वह अम्मा आदल तक फिल अर्ज कौम आद ने ज़मीन में तकब्बर किया बेगैरह ना हक तौर पर उनको तकबर करने का कोई हक नहीं था वाल मन अशद मिन नकुआ और कहा कि हमसे ज़्यादा ताकत वाला कौन है ताकत किसने दी है अल्लाह ने दी है जब चाहता है अल्लाह ताला ताकत को छीन लेता है कौम आत बड़ी मजबूत कौम थी लंबे तड़ंगे अल्लाह का आजाब आया तो ये ऐसे ही पड़े हुए थे जैसे खजूर के दरख्त तो पड़े रहते हैं अल्लाह ताला ने इनको तबाहो बर्बाद कर दिया कौम आद ने इनकार किया क्यों तकबर की बुनियाद वामा आदल तकबर कौम आद ने तकबर किया तमाम कौमों का तस्करा इसी तरह अल्लाह तबारक वाली ने किया है कि उन्होंने तकबर की बुनियाद पर ही नबी की बातों को कबूल नहीं किया इसी तरह अल्लाह तबारक वाली ने सुर अनकबूत के अंदर फरमाया वारूना व फिर अवना व हामाना कारून फिर अओन हामान एक ही ज़माने के हैं वारूना व फिर अवना व हामाना लक़द जा इनके पास मूसा लिस्ला तो सलाम आए बिलबियनात दलाइल को लेकर के फस तक बरूफिल अर्ज इन्होंने ज़मीन में तकब्बर किया वमा का नू ये मुझसे आगे जाने वाले नहीं हैं यानी मेरी पकड़ से बच नहीं सकते हैं अल्लाह ताला ने पहले कारून का तस्करा किया क्यों इसलिए कि कारून के पास खजाना था कारून के पास दौलत थी कारून के पास माल था कारून का ख़जाना कारून का माल कारून की दौलत मशहूर है जब किसी के पास बहुत ज़्यादा माल हो जाता है तो उसको मिसाल दी जाती है क्या कारून का ख़ज़ाना मिल गया है कारून को अल्लाह तबार व तआला ने नवाजा था कारून बाहर निकला बेहतरीन लिबास पहना तकब्बुर करते हुए अकड़ते हुए चला और उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरे बराबर कोई नहीं है कुरानी मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसी वक्त अल्लाह ताला ने उसको पकड़ लिया जमीन में धंसा दिया जमीन में धंस रहा है प्यारे नबी की हदीस है कि आज तक कानून धंस रहा है और कयामत तक धंसता रहेगा कारून जिसके खजाने की मिसाल दी जाती है जब अल्लाह का अजाब आया तो कानून का खजाना अल्लाह के अजाब से कारून को बचा नहीं सका अल्लाह तआला ने सबसे पहले कानून का तस्करा किया उसके बाद आउना, फिर आउन का तस्करा किया कारून के अंदर जो तकबर पैदा हुआ माल की वजह से और आउन के अंदर जो तकबर पैदा हुआ वो ओहदे की वजह से मनसब की वजह से हुकूमत की वजह से मालूम ये हुआ कि माल का नशा ये हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक होता है फिरौन ने मूसा सलाम की कौम पर बनी इसराइल पर ज़ुल्म किया उनको गुलाम बना करके रखा और उनकी औरतों को बाँधी बना करके रखा किया। है हैते मूसा सलाम ने जब अपनी कौम की रिहाई की दोहाई लगाई तो फिरौन ने कहा मेरे सामने तू गुफ्तु कर रहा है मेरे सामने तू बात कर रहा है तेरी हैसियत तुझे नहीं मालूम है मेरे दरबार में तेरी परवरिश हुई है मेरे भाइयों ये फख्र ये गुरूर ये तकबुर फिर आउन को ले डूबा आप गौर करें हैत मूसा सलात अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रात के अंधेरे में निकले सामने दरिया है दरिया में पानी भरा हुआ है मूसा सलातम उस वक्त के इंतहाई कमज़ोर इंसान हैं इतहाई कमज़ोर इंसान हैं और फिर उस वक्त का इंतहाई मजबूत इंसान है लेकिन अल्लाह तबारक वाले ने दरिया को हुक्म दिया कि मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए दरिया रास्ता बना दे चुनान चहते मूसा सलातम ने अपनी लाठी को दरिया पर मारा और उसमें बेहतरीन रास्ता बन गया हैत मूसा अपनी पूरी कौम को लेकर के दरिया के पार उतर गए जबकि इंतहाई कमजोर थे फ्रौन वक्त का सबसे मजबूत इंसान जिसके पास हुकूमत है जिसके पास कुवत है जिसके पास ताकत है जिसके पास ओहदा और मनसब है जिसके पास फौज और लश्कर हैं फ्रऊन अकड़ते हुए गया और कहा कि आज मूसा को और उसकी कौम को हमारी पकड़ से कौन बचा सकता है मेरे भाइयों इंतहाई कुवत और ताकत वाला होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने फिरा को दरिया में गर्क कर दिया उसकी पूरी कौम को गर्क कर दिया तकबुर इंसान को बर्बाद कर देती है तकबुर इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है आज बहुत सारे इंसान फ़ख्र गरूर में मुब्तला हैं। हमें तोबा करनी चाहिए तकबुर ना कारून का ना कारून को बचा सका और ना फिराउन को बचा सका वह हामाना तीसरे नंबर पर अल्लाह ने हमान का ज़िक्र किया ये हामान फ्र का मुशीर था यही हामान है जिससे फिराउन ने कहा था कि अय हामान आलीशान महल बना जो जो फलक बोस हो और हम उस महल पर उस सीढ़ी पर चढ़ करके मूसा के रब को देख लें मजाक उड़ाया था अल्लाह तबारक वाली ने तबाह बर्बाद कर दिया वह कारूना व फिर व वामाना और कारून फिरओन हामान वक़द जय अह मूँ शाबिल मूसा सलाम उनके पास दलाइल को लेकर के आए फस तक बरू फिल आर्ज। लेकिन इन्होंने ज़मीन में तकब्बर किया व माँ कानू साबकीन ये मुझसे आगे जाने वाले नहीं थे हमने इनको पकड़ लिया फिर को भी हमान को भी कारून को भी सबको हमने तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यद जन्नत मन का फी कल्ब ही मिसकाल ज़र्रत मिन किबर जिस इंसान के दिल में जर्रा के बराबर भी तकबुर पैदा हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा जर्रा किसे कहते हैं जर्रा की तारीफ में वमा ने बहुत सारी बातें लिखी हैं लेकिन जो सबसे मुनासिब और सही बात है वो ये है कि आप किसी अंधेरे घर में बैठ जाएं और बारीक सुराख हो और उस सुराख से सूरज की रोशनी आती हो सूरज की रोशनी में जो जर्रा चमकते हैं वो जर्रा है जिसको आंखें देख नहीं सकती हैं जिसको हाथ पकड़ नहीं सकते हैं उसी को जर्रा कहा जाता है हमारे नबी ने फरमाया जर्रा के बराबर भी अगर किसी के दिल में तकबुर पैदा हो गया वह जन्नत में नहीं जा सकता आज आज इंसान अल्लाह रहम करे कितना तकबर है हमारे अंदर अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमाए हम सब को तोबा की तोफ़ी के नायत फरमाए मेरे भाइयों प्यारे नबी ने फरमाया ज़र्रा बराबर भी किसी के अंदर तकबुर पैदा हुआ वो जन्नत में नहीं जा सकता सहाबा घबरा गए साहबा परेशान हो गए कहा है अल्लाह के रसूल एक शख्स पसंद करता है कि उसके जूते अच्छे हों उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका लिबास अच्छा हो तो प्यारे नबी ने फरमाया ज़माल अल्लाह खूबसूरत है खूबसूरती को पसंद करता है अल किबरु बतरुल हकी बतमत सही मुस्लिम की अल किबरु बतरुल हकी बतुलतनास तकबुर है लोगों को हकीर समझना हक बात का इनकार कर देना जब आदमी अपने आप को बड़ा समझने लगे और किसी को खातिर में ना लाए तो यही तकबुर है अच्छे कपड़ा पहनना तकबर नहीं है अच्छे लिबास पहनना अच्छे जूते पहनना ये तकबुर की बात नहीं है बल्कि वो लिबास वो जूते वो चीजें जो इंसान को फख्र गुरूर में मुबतला कर दें वो तकबुर है और इंसान तकबुर में जब मुबतला होता है तो हक बात का इनकार कर देता है इंसान कहाँ-कहाँ तकबर करता है मालौलत पर तकबर करता है जैसा कि कानून ने किया हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी घमंड गुरूर कितना है अल्लाह हम सब के ऊपर रहम फरमाए इसी तरीके से फ़ौज और ताकत पर एक कौम एक मुल्क जिसके पास फ़ौज है जिसके पास ताकत है वो अपने अलावा किसी को नहीं समझती है मजलूमों के ऊपर जुल्म कर देना कमज़ोरों को सताना लोगों को तबाह बर्बाद कर देना लोगों की ज़मीन और जायदाद पर कब्ज़ा कर लेना ये किसके किसका काम है वो हुकूमतें जो पावर में हैं जिनके पास ताकत है जिनके पास फौज है जिनके पास उहदा और मनसब है ये चीज़ें इंसान को फख्र और गुरूर में मुबला कर देती हैं लेकिन याद रखो गुरूर और तकबुर इंसान को मिटा देता है हुकूमतों को बर्बाद कर देता है इसी तरीके से जिसके पास हसन व जमाल हो बहुत सारे लोग अपनी हसन और खूबसूरती पर भी तकबर में मुबला होते हैं अल्लाह ने आपको हसन बनाया अल्लाह का शिक्र अदा कीजिए किसी काले को देख करके, किसी नाटे को देख करके इंसान अपने आप को बड़ा समझना लगता है अल्लाह तबारक तआला की तख्लीक पर मज़ाक उड़ाता है दूसरों को हकीर समझता है इसी तरीक़े से इंसान को ओहदा और मनसब मिल जाता है उस पर भी तकबर करता है तकबुर की एक एक शक्ल ये होती है कि इंसान अपने ख़ानदान पर हमारी बिरादरी हमारा खानदान हमारी नस्ल सबसे अच्छी है मेरे भाइयों Allah के नबी ससर ने फरमाया जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता यह खानदान यह ये बिरादरी यह ये नसल यह ये, ये सब पहचान है इससे इंसान की कोई बड़ाई नहीं है अल्लाह तबारक तआला खानदान की बुनियाद पर नसल की बुनियाद पर बिरादरी की बुनियाद पर किसी को जन्नत में नहीं दाखिल करेगा अमल की बुनियाद पर व जनाकुम शूबम वारफ़रम तक अल्लाह ने फरमाया हमने मुख्तिक कबीले बनाए मुख्तलि ग्रोह बनाया मुख्तलि नस्लों में लोगों को पैदा किया ये एक पहचान है ये फना बिरदरी का है ये फ़ना बिरदरी का है ये एक तारफ़ के लिए है लेकिन अल्लाह के नज़दीक बाज़्ज़त कौन है जो साहिब तकवा हैं अगर आपका अमल अच्छा नहीं है आपका खानदान कितना भी अच्छा हो आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता है इसी तरीके से हमको चाहिए कि हम अपने आप को तकबुर से बचाएँ इसी तरीके से सोलहवीं चीज़ जो इंसान को जिससे बचना चाहिए वो है जुल्म। आज इंसान को ताकत हो गई तो लोगों के ऊपर करता है आज इंसान को उहदा मिल गया तो लोगों के ऊपर जुल्म करता है जुल्म बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है हमारे पास जरा भी ताकत हुई शौहर के पास ताकत है तो बीवी के ऊपर जुल्म करता है बीवी जरा पावर में आई तो शौहर के ऊपर जुल्म करती एक खानदान दूसरे खानदान के ऊपर जुल्म करता है एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर जुल्म करता है यह समझता है जालिम समझता है कि यह हमारा हक है जालिम को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी म कभी कामयाब नहीं होगा अल्लाह ने तरमाया मालिमी ना मिन हमीमिन वफी जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है उसका कोई दोस्त नहीं होगा और ना कोई उसकी तरफ से सिफारिश करने वाला होगा जिसकी सिफारिश को कबूल किया जाए यानी जालिम का अंजाम कयामत के दिन बहुत बुरा होगा वह मा लि जालिमी ना मिन नसी और अल्लाह तरमाया जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा दुनिया में भी ालिम का अंजाम बुरा है और आखरत में भी उसका अंजाम बुरा होगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतम फ इन धुनियमलियाम लोगो जुल्म करने से अपने आप को बचाओ इसलिए कि जुल्म कयामत के दिन अंधेरे का सबब होगा इंसान जिस कदर ाल होगा उसके सामने उसी कदर अंधेरा होगा आज इंसान कैसा एक दूसरे के ऊपर जुल्म करता है कैसा एक दूसरे के ऊपर जुल्म करता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हें कयामत के दिन हक वाले का हक जरूर अदा करना होगा प्यारे नबी ने फरमाया एक सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा है कयामत के दिन अल्लाह तबारक वो बेसिंग वाली बकरी को सींग अता करेगा और वो उस बकरी से बदला लेगी फिर अल्लाह तआला दोनों को ख़त्म कर देगा जब एक मामूली जानवर एक मासूम जानवर बकरी अगर एक बकरी ने दूसरे बकरी के ऊपर म किया तो अल्लाह तबारक वाल उसको बदला दिलाएगा तो हमारा और आपका अंजाम क्या होगा अल्लाह ने हमें अक्ल दी है अल्लाह ने हमें शोर दिया है अल्लाह ने हमें इल्म दिया है अल्लाह ने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है अल्लाह तबारक वाली ने हमें अच्छे और बुरे की पहचान दी है इतना इल्म रखने के बावजूद भी अगर कोई आदमी किसी के ऊपर ताल्लाह तो बर्दाश्त करेगा नहीं बर्दाश्त करेगा आज मासूमों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है आज कमजोरों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और जालिम अपने जुल्म की इंतहा तक पहुंचा हुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े 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 जुल्म छोड़ो जुल्म करते हुए एक शख्स ने अगर किसी की एक बालिश ज़मीन भी हासिल कर ली कयामत के दिन अल्लाह तबारक वाली सात जमीनों का तोक उसके गले में डाल देगा और कहेगा कि तू इसी ज़मीन के लिए मरता था वो सात जमीनों का तोक उसके गले में डाल दिया जाएगा वो इंसान धंसता हुआ चला जाएगा मेरे भाइयों आज हमारी हालत क्या है लोगों की ज़मीन लोगों की जायदाद लोगों की प्रॉपर्टियां हम कब्जा किए हुए बैठे हैं और समझते हैं ये हमारा हक है ये जुल्म है जुल्म है जुल्म है ालम दुनिया में भी कामयाब नहीं होगा आख़रत में भी कामयाब नहीं होगा अगर हमारे पास किसी का हक़ है हमने किसी का हक़ दबा लिया है आज उठें नमाज़ के बाद जाएँ उसका हक़ उसके हवाले कर दें कल क़्यामत के दिन की ज़िल्ल और रसवाई से ये बेहतर है कि हम हक़ वालों का हक उसके हवाले कर दें मेरे भाइयों इसी तरीके से प्यारे नबी सल्ला वसम फ़रमाते हैं कि अल्लाह है तबारक वाली ालिम को मोहलत देता है जालिम जो जुल्म जुल्म करता है समझता है है समझता कि यह नहीं क्यों इसलिए कि अल्लाह की पकड़ अभी नहीं आई है अल्लाह की पकड़ अभी नहीं आई है अल्लाह तबार को तालाम को मोहलत देता है क्यों तोबा कर ले इसलाह कर ले एक बार दो बार चार बार 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 अल्लाह मोहलत देता है लेकिन जालिम अपने जुल्म से तोबा नहीं करता है फिर अल्लाह तबार को उस जालिम को पकड़ लेता है और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो जालिम की अकड़ खत्म हो जाती है इतना बदशरबिकल शदीर तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बड़ी सख्त है चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो बिरादरी हो चाहे वो इंसान हो जिसने भी जुल्म किया है जुल्म ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है मेरे भाइयों अहले हदीस का अकीदा है जालिम जालिम कोई भी हो, जालिम चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो चाहे वो आलिम हो चाहे वो जाहिल हो कोई भी हो, जालिम जुल्म करता है यह अल्लाह को पसंद नहीं है मजलूम वो कोई भी हो मुसलमान हो काफिर हो मर्द हो औरत हो बीबी हो बच्चे हो कोई भी हो मजलूम की मदद अल्लाह जरूर करता है अब आप ये बात भूल जाएं कि कोई आदमी अगर किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है और वो मुसलमान है और मजलूम जो है वो काफिर है तो अल्लाह उसकी मदद नहीं करेगा ये बात अपने जहन से निकाल दें अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की मदद जरूर करेगा वो किसी भी धर्म का हो अल्लाह ताला जालिम को जरूर पकड़ेगा वो किसी भी धर्म का हो अल्लाह का वसूल है वो जालिम को पकड़ता है मजलूम की मदद करता है फौरी तौर पर हो सकता है कि जालिम अपनी ताकत के नशे में चूर हो लेकिन एक दिन आएगा कि अल्लाह तबारा को की पकड़ जरूर आएगी और जालिम को उसको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा है तो मिबन जबल रजी अल्लाह तु को अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने यमन भेजा और यमन भेजने के बाद उनसे कहा कि लोगों को तोहीद की तरफ बुलाना कि अल्लाह एक है जब इस बात को मान लें तो उनको बताना कि हमें अल्लाह का रसूल हूँ जब इस बात को तस्लीम कर लें तो उनको बताना कि दिन और रात में पांच वक्त की नमाज फर्ज है जब इसको भी कबूल कर लें तो उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उनके माल में ज़कात फर्ज किया है अगर वो साहिब निसाब हैं तो अढ़ाई परसेंट सालाना उनके माल में से जकवात लिया जाएगा हमारे नबीसम ने फरमाया जब वो इसको भी कबूल कर लें और जकवात देना शुरू कर दें तो हैरत माज ने जबल से कहा उनके अच्छे अच्छे माल नहीं लेना जो भी माल है बराबर का होना चाहिए सब में से मिक्स होना चाहिए अच्छे अच्छे माल को ले लेना यह सही नहीं है उसी मौका पर प्यारे नबी ने फरमाया था इतल मजलूम फैनई सबई ना हिजाब मजलूम की बददुआ से बचो इसलिए कि अल्लाह के दरमियान और उसकी आह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती है मजलूम की आह जालिम की जिंदगी तबाह कर देती है जब एक मजलूम रोता है तो जालिम के हवेलियों में दराड़े पड़ जाती हैं जब एक मजलूम की आह निकलती है तो जालिम खत्म हो जाते हैं जब एक मजलूम की आह निकलती है तो अल्लाह तबारक वाले जालिमों की जिंदगी अजीरन कर देता है मेरे भाइयों जुल्म को पसंद नहीं है अल्लाह ना किसी के ऊपर जुल्म करता है और ना ही अल्लाह तबारक वाली किसी जालिम की मदद करता है अल्लाह खुद नहीं किसी के ऊपर जुल्म करता है और अल्लाह तबारक जुल्म करने वालों को पसंद भी नहीं करता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसरा ख़ा का ज़ालिमन अहूम झुलूमा अपने भाई की मदद करो जालिम हो या मजलूम साहबा ने कहा कि प्यारे नबी हम जालिम की मदद कैसे करें मजलूम की मदद तो करेंगे जालिम की मदद कैसे करें तो हमारे नबी ने फरमाया उसके हाथ को जुल्म करने से रोक लो पकड़ लो जुल्म मत करने दो यही उसकी मदद है मेरे भाइयों आज जहां भी जुल्म हो रहा है हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं हम मदद नहीं कर सकते हैं हम दुआएं तो कर सकते हैं अपने मजलूम भाइयों के लिए दुआएं कीजिए वो मासूम लोग जिनकी जिनको सताया जा रहा है जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है कोई भी हो अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ में हैं हमारी दुआएं उसके साथ में हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक उन मज़लूमीन की मदद फरमाए और जो भी जुल्म कर रहा है वो कोई भी हो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक जालिमों को तबाह बर्बाद कर दे इसलिए कि हम ना जुल्म के कायल हैं और ना ही मजलूमियत के कायल हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ करते थे आप वसल्लम दुआ करते थे कि आए अल्लाह मुझे जालिम बनने से भी हिफाजत फरमा और मजलूम बनने से हिफाजत फरमा जालिम और जुल्म ये अल्लाह को पसंद नहीं है इसी तरीके से सत्रहवीं चीज जिससे हमको अपने आप को बचाना है हसद हसद हमारा कोई भाई तरक्की कर रहा है हमारा कोई भाई आगे बढ़ रहा है हमें खुश होना चाहिए हमारा भाई तरक्की कर रहा है ना लेकिन नहीं इंसान हसद में डूबा जा रहा है हसद में मरा जा रहा है अल्लाह तबारक तआला ने कुरानी मजीद में बार बार हसद की मज़म्मत फरमाई है अम यह सदून अल्लाुन फल ही क्या लोग इस बात पर हसद करते हैं जो अल्लाह तबारक तआला ने उनको अपना फजल दिया है किसी को अल्लाह ने नवाजा है किसी को माल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है किसी को अल्लाह ने ताकत दी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हमारा भाई मजबूत हो रहा है अफराद से जमात बनती है जमात से मिल्लत बनती है अगर अफराद मजबूत होंगे जमात मजबूत होगी जमात मजबूत होगी तो मिल्लत मजबूत होगी एक आदमी भी मजबूत है तो जमात मजबूत हो रही है एक जमात मजबूत हो रही है तो मिल्लत मजबूत हो रही है इसलिए लोगों को मजबूत होते हुए देख करके हसद ना करें हसत करने वाला अल्लाह की तकसीम पर नाराज होता है अगर किसी ने किसी को अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है तो किसने दिया है अल्लाह ने दिया अल्लाह ने किसी को माल दे दिया अगर हम उससे हसद करते हैं तो हकीकत में अल्लाह से हसद करते हैं कि अल्लाह ने उसको क्यों दे दिया अल्लाह ने किसी ओहदा और मनसब दिया है हम उससे हसद करते हैं तो हम उससे नहीं हसद करते हैं अल्लाह से हसद करते हैं कि अल्लाह ने उसको उहदा और मनसब क्यों दे दिया मेरे भाइयों हाशिद असल में महसूद से नहीं हसद करता है अल्लाह से हसद करता है हमारे नबी ने फरमाया फरमायाद वला तबागदो मुसलमानों आपस में हसद ना करो आपस में एक दूसरे से बोख्त ना रखो कनो इबाद अल्लाखाना भाई भाई बनकर रहो एक दूसरे का साथ दो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो मेरे भाइयों इस्लाम हसद से मन मना करता है अभी इब्लिस का वाकया मैंने बताया हैत आदम अली व सलाम को तमाम फरिश्तों ने सजदा किया इब्लिस ने क्यों नहीं किया हसद की बुनियाद पर हसद की बुनियाद पर आदम को इतना ऊंचा मकाम क्यों मिल गया हसद में जल भुन उठा सजदा नहीं किया नतीजा क्या हुआ अल्लाह तबार व तआला ने जन्नत से निकाल दिया मेरे भाइयों आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबिल और हाबिल इन दोनों ने कुर्बानी दी हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई काबिल की नहीं हुई काबिल अपने सगे भाई से हसद करने लगा नतीजा क्या हुआ काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया हसद इंसान को कहां तक पहुंचा देता है सगे भाई ने अपने भाई को हसद की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया लाश पड़ी हुई है अपने भाई की सगे भाई की परेशान हुआ क्या करें फबा सलाबंद अल्लाह तबारक तआला ने कौवा भेजा अल्लाह अकबर अल्लाह तला इंसान को कैसा इल्म देता है देखिए कौवा आया और उसने जमीन को खोदा पूरा पूरी तारीख अल्लाह तारा ने कुरान मजीद में बयान की है पढ़िए ये कुरान पढ़िए ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा लेकिन हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया हमने कुरान समझना छोड़ दिया कौवे को भेजा अल्लाह ने कौवे ने जमीन खोदा काबिल ने जब देखा तो उस कौवे से इबरत और नसीहत हासिल की चुनान चे उस कौवे के ज़मीन खोदने को देख करके काबिल ने जमीन खोदी और अपने भाई हबील को उसमें दफन किया ये कबर की इब्तदा है ये कबर की इब्तदा है हमने कौवे से सीखी है मेरे भाइयों हसद की बुनियाद पर काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया यूसुफ अलीसलात साम हैं आपके वालिद हैत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं उनके वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं उनके इब्राहिम इब्राहीम पैगंबर हैं ये पैगंबरों का ख़ानदान है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हसीन बनाया खूबसूरत बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने है यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का तस्करा किया है हैरत याक़ूब आलाम अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करते थे क्यों हैतूसुफ़्म ने ख्वाब में देखा था कि ग्यारह सितारे सूरज और चाँद उनको सजदा कर रहे हैं जब अपने वाल से कहा तो कहा बेटा तुम्हारी शान बड़ी निराली है लेकिन एक बात बताता हूं अपने भाइयों से इसका तस्करा मत करना पहले से भी मोहब्बत थी लेकिन ख्वाब के बाद मोहब्बत और ज्यादा हो गई याकूब यूसुफ से बड़ी मोहब्बत करने लगे लेकिन जब भाइयों ने देखा कि बाप यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता है ये हसद से जल भुन उठे नतीजा क्या हुआ इन लोगों ने प्लान बनाया कि यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए मेरे भाइयों सगे भाइयों ने एक ही बाप की औलाद अपने भाई को कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया किस बुनियाद पर हसद की बुनियाद पर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के ऊपर जुल्म किया हसद की बुनियाद पर बाप को तैयार किया बड़ी मुश्किल से तैयार हुए यूसुफ अलीसला तोलाम को कत्ल करने के लिए ले गए लेकिन भाइयों में इख्तलाफ हो गया एक भाई ने कहा अगर हम इसको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं तो कत्ल करने की क्या जरूरत है इसको कुएं में डाल दें अल्लाह ने पूरी तफसील बयान की है उस वाकई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ ये कौन किया था दूसरी बिरादरी के लोग किए थे दूसरी कौम के लोग किए थे दुश्मन लोग किए थे नहीं घर के लोग किए थे सगे भाई लोग किए थे अल्लाह तबार को तला से हमारी हिफाजत फरमाए सगे भाइयों ने यूसुफ अलीसलात उस को ले जाकर के कुएं में डाल दिया मेरे भाइयों, जब इंसान के अंदर हसत पैदा हो जाता है तो ना वो अपना ना वो अपने भाई को देखता है ना अपनी बहन को देखता है। ना अपने बाप को देखता है ना अपनी माँ को देखता है। हसद ये एक ऐसी बुरी चीज है कुमल हसद الحسنات كما हसना النار कोलहतब लोगो अपने आप को हसद से बचाओ इसलिए कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है हसद ये बहुत बुरी बीमारी है यह दिलों की बीमारी है आज बहुत सारे लोग हंस किसी के इल्म को देख करके कोई हसद कर रहा है किसी के माल को देख कर कोई हसद कर रहा है किसी की तरक्की को देख करके कोई हसद कर रहा है किसी के बेहतरीन घर को देख कर कोई हसद कर रहा है किसी की बेहतरीन गाड़ी को देख कर कोई हसद कर रहा है अरे भाई हम क्यों परेशान हैं हमें भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो अल्लाह उनको दिया है वो हमें भी देगा अल्लाह से मांगिए देने वाला अल्लाह है रोजी का मालिक अल्लाह है इसलिए अल्लाह से मांगो जब इंसान के अंदर हसद पैदा हो जाती है तो इंसान नेकियों से महरूम हो जाता है उसको आगे बढ़ने की तमन्ना और जस्तु नहीं रहती है वो सिर्फ परेशान रहता है कि सामने वाले को कैसा नीचा करे सामने वाले को कैसा जेर करे अपनी फिक्र नहीं रहती है गैरों की फिक्र रहती है मेरे भाइयों ऐसी हसद इंसान को तबाह बर्बाद कर देता ईया वल हसद फिन हसद या कोल उलह हसनत कमा तह हतब लोगो अपने आप को हसद से बचाओ इसलिए कि हसद इंसान की नेकियों को ऐसे ही बर्बाद कर देता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को दावत दी मक्का के लोगों ने आपकी बात को कबूल नहीं किया क्यों हसद के बुनियाद पर यहूदियों ने आपको नबी नहीं माना क्यों हसद की बुनियाद पर नबूत का सिलसिला जो हैत इसहाक के खानदान में चल रहा था हैत इब्राहिम के दो बेटे थे एक का नाम इसहाक दूसरे का नाम इस्माइल इसहाक हैत सलाम की नस्ल में बनी इसराइल के तमाम अम्बिया पैदा हुए यह नबूत का सिलसिला इसहाक के खानदान से चला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से खानदान से पैदा हुए इस्माइल के खानदान से जब यहूदियों ने देखा कि ये इस्माइल के खानदान से पैदा हुए हैं अल्लाह ने फरमाया वो आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं हमारी अपनी औलाद हजारों और लाखों के दरमियान हो क्या कोई बाप अपनी औलाद को नहीं पहचानेगा जरूर पहचानेगा अल्लाह ने फरमाया ये आपको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं लेकिन फिर भी आपकी नबूत और रसालत को मानने से इनकार कर देते हैं क्यों हसद की बुनियाद पर नबूत और रिसालत का सिलसिला जो इसहाब के खानदान में चल रहा था इस्माइल के खानदान में कैसे आ गया अरे भाई अल्लाह ने दिया है तो इब्राहिम सलाम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह आखिरी पैगंबर जो हो मेरी नस्ल से हो मेरे भाइयों ये है हसद जो इंसान को मजबूर कर देता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए तो मक्के मदीने के मुनाफिकीन ने भी आपकी बातों को मानने से इनकार कर दिया पहले बाद में जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद बढ़ रही है तो मुनाफिकीन ने एक एक नया तरीका अपनाया जुबान से कलमा पढ़ेंगे जिस्मानी तौर पर आपसे मिलकर रहेंगे लेकिन दिलों में नफ़रत रहेगी ये नफाक ये रईसमुनाफीन अब्दुल्लाह इब्ने उबै नबी नबीसलम को माना लेकिन आपको तस्लीम नहीं किया ये नफाफ इंसान के दिल में पैदा होती है हसरत की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला इबन उबै जो बहुत परेशान हैं आप इससे परेशान ना हो ये परेशान होने का हक है इसे क्यों आपकी आमद से पहले इसको मदीने का सरदार बना दिया गया था इसका ताज तैयार हो गया था और इसकी ताज पोशी होने वाली थी मदीने का सरदार इसको एकदम कन्फर्म किया जाने वाला था लेकिन इसी दौरान आप मदीने तशरीफ ले आ गए और इसका सरदार बनने का मामला जो था वो खटाई में पड़ गया इसलिए ये आपसे हसद करने लगा इसलिए ये आपसे नफरत करने लगा बज़ाहिर मुसलमान हो गया था लेकिन दिल से नबी से नफरत करता था बहुत सारे मुसलमान हैं जो जुबान से कलमा पढ़ते हैं लेकिन दिलों में निफाक छुपाए हुए हैं अल्लाह तबारक तआला हमें उनसे महफूज रखे उनसे हिफाजत फरमाए अल्लाह तला फ़खर से गुरूर से तकबर से घमंड से अनानियत से अल्लाह तबारक जुल्म से हसद से हमारी हिफाजत फरमाए ये वो बुराइयाँ हैं जिनसे बचना इंसान के लिए ज़रूरी है वरना हमारी दुनिया और आख़रत दोनों तबाह हो जाएगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रबालमीन हम तमाम लोगों को बुराइयों से बचने की तोफ़ी इनायत फरमाए भलाई और नेकी का काम करने की तोफ़ी इनायत फरमाए अल्लाह जब तक हमको दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रबना تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. فَأَوْذُ بالله السَّمِيلَ العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه